सकते हो, देख रहे एंटिटी और एमएलआर की स्क्वाड को फिनिश कर दिया। स्क्वाड 9 पे जो टीम थी वो वाइप आउट होती है, तो वापस हमें लेजेंडरी फाइट देखने को मिल सकती है, फैनाटिक वर्सेस टीम बीटीआर वर्सेस टीम एंटिटी। सो बीटीआर के प्लेयर को नॉकआउट कर दिया, क्लच गॉट ने यहां पे काफी बढ़िया क्यूबीयू चल ला के क्या ही नॉकआउट किया। सो लेट्स सी ये फाइट में कौन पार्टी मार लेता है यहां पे। स्काउट ने यहाँ पे नॉकआउट कर दिया यहाँ पे जर को, यहाँ पे अम लिक्विड इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग फ्रॉम टीम बीटीआर। सो लेट्स सी हमें उनके तरफ से क्या देखने को मिलेगा, क्या ही फाइट होती हुई दिख रही है यहाँ पे। तीनों की तीनों लेजेंडरी टीम एक साथ फाइट करते हुए दिख जाएंगी हमें यहाँ पे। सोल की सिर्फ एक कमी, अगर यहाँ पे सोल भी आ जाती तो क्या ही बसंत मच जाती यहाँ पे। लिक्विड देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पे, एंटिटी की स्क्वाड भी आ चुके हैं, फनाटिक की स्क्वाड और एंटिटी की स्क्वाड की हमें फिर से और एक बार फाइट देखने को मिलती है। फर्स्ट मैच में हमें उनकी फाइट देखने को मिली थी, उन्होंने फाइट ली थी 3v4 और फनाटिक वहां पे हर सेकंड पोजीशन आ गई थी और एंटिटी ने चिकन डिनर कर लिया गया था। तो यहाँ पे ओएस के ऊपर शॉट्स आते दिख रहे, ओएस काफी लो हो चुके हैं, फनाटिक के प्लेयर जो है वो धीमे धीमे क्लोजिंग करते दिख रहे। लिक्विड को यहाँ पे स्पॉट कर लिया, जैसे लिक्विड यहाँ पे रिवाइव करने के लिए जाते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड रिवाइव कर देंगे अपने टीम मेट को, पर एंटिटी की टीम जैसा कि देख सकते काफी स्प्रेड आउट होकर धीमे धीमे करके आगे आते दिख रहे। गाटक को नॉकआउट कर दिया, काफी बढ़िया नॉकआउट ओएस के तरफ से, और यहाँ पे जेड गॉड देखते हैं पे क्या कवर तो दे नहीं पाए, पर ओएस है काफी बढ़िया गाटक को नॉक किया। तो अब 3v4 फाइट हो चुकी है यहाँ पे एंटिटी के लिए, तो यहाँ पे काफी बढ़िया नेड नियो का और नॉकआउट कर दिया। लिक्विड फिर वापस बचते हैं लास्ट, यहाँ पे रिवाइव करते हुए देख जाएंगे यहाँ पे फनाटिक की स्क्वाड और एंटिटी की स्क्वाड सैंडविच करते हुए बीटीआर को। एश को यहाँ पे देखते हैं एश क्या करते हैं, एश का साउंड आ चुका है यहाँ पे मॉली करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। लिक्विड तो रिवाइव के लिए स्टिक रहेंगे यहाँ पे, एंटिटी के क्लच गॉड ने बीटीआर के सेंस को फिनिश कर दिया गया। सो अब सिर्फ दो बंदे बाकी रहेंगे बीटीआर की तरफ से जो कि रिवाइव हो रहे हैं। लिक्विड देखते हैं लिक्विड की तरफ से लिक्विड रिवाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि लिक्विड ने रिवाइव कर दिया अभी के लिए, तो अभी एक आध नेड आने से भी उनको दिक्कत आ सकती है। रीपर की स्कॉट और फनाटिक के स्काउट को स्पॉट कर लिया, स्काउट यहाँ पे नॉकआउट होते हुए दिख रहे और एश ने यहाँ पे बीटीआर के दोनों को दोनों प्लेयर्स को फिनिश कर लिया गया। तीनों के तीनों मैच में यहाँ पे बीटीआर के अगेंस्ट फाइट हुई और फनाटिक ने क्या ही खेला भाई साहब, क्या ही बसंत मचा दिए यहाँ पे बीटीआर के सामने, और बीटीआर की स्कॉट को तीनों के तीनों मार उन्होंने वाइप आउट कर दिया यहाँ पे बूट कैंप पे। और चैनॉक में फाइट ली थी, रैंगल में भी उन्होंने फाइट ली थी मेरे हिसाब से, क्वेरी के पास में और मिरामार में भी उन्होंने पास में ही फाइट ली थी। यहाँ पे नियो काफी क्लोज आ चुके, तो चलिए चलते नियो के तरफ, यहाँ पे फनाटिक वर्सेस एनडीटी की हमें फिर से और एक बार फाइट देखने को मिल जाएगी। सो आई होप सो यू गाइस आर एंजॉयिंग द मैच, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है भाई साहब मैच के लिए। तो चलिए चलते हैं भाई यहाँ पे जोन, जैसा कि हम देख सकते हैं शंकिन होता हुआ दिख जाएगा यहाँ पे, काफी कम लोग बाकी है, टोटल 46 बंदे अलाइव और 13 टीम्स ही सिर्फ हमें अभी तक देखने को मिल रही है। तो धीमे धीमे मैच होगा, धीमा धीमा मैच होगा, आई होप सो एंजॉय करें। यहाँ पे स्ट्रैटेजिक गेम हो रहा है, यहाँ पे सोच समझ के खेल रहे टीम, क्योंकि लास्ट मैच होने वाला है, आज के दिन का लास्ट मैच होने वाला है और भी मैचेस आने वाले, तो आई होप सो यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। यहाँ पे एश को स्पॉट कर लिया गया, पर एश को मेरे हिसाब से कोई अंदाजा नहीं है कि नियो इतना क्लोज है, तो काफी लीथल हो सकते हैं नियो इतनी क्लोज रेंज पे। तीनों के तीनों बेस्ट असॉल्टर ऑफ टीम एंटिटी या फिर टीम इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट असॉल्टर ऑफ टीम इंडिया कहूंगा यहाँ पे एंटिटी के तीनों बंदे क्लच गॉड है, नियो है, जेड गॉड है, तीनों के तीनों बंदे क्या ही असॉल्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं हमें उनकी तरफ से क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे। फनाटिक की स्क्वाड भी है यहाँ पे काफी स्प्रेड आउट होकर, बाकी टीम्स की तरफ चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या हालचाल चल रहा है। और नेक्स्ट जोन जो है वो मूविंग हो जाएगा, ठंडा माहौल हो चुका है, सारी की सारी टीम बीच में आ चुकी है। नेक्स्ट जोन में भी मोस्ट ऑफ द पे दिखता हुआ दिख रहा है यहाँ पे कि एंटिटी की स्क्वाड ने फनाटिक के ऊपर रश कर दिया गया, यहाँ पे फनाटिक के बंदे को नॉकआउट कर दिया गया यहाँ पे, एंटिटी के प्लेयर क्या ही कमबैक करते हुए दिख रहे हैं फनाटिक के ऊपर, दो बंदे मेरे हिसाब से उनको नॉकआउट करते हैं, स्काउट भी यहाँ पे नॉकआउट है, ओएस इज द लास्ट गाइस स्टैंडिंग फ्रॉम टीम फनाटिक। तो क्या ही खेलती जा रही है भाई साहब, मजा आ गया भाई, मजा आ गया यहाँ पे, क्या खेल रही है भाई, क्या खेल रही है भाई साहब फनाटिक। लेट्स गो फनाटिक और टीम एंटिटी, दोनों ही टीम